16 फरवरी को किक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जब आप अपने लाइफ से बुरी चीजों को निकाल बाहर फेंक सकते हैं। आमतौर पर लोग ऐसा सोचते हैं कि वे किक डे पर किसी को किक मार देंगे या फिर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी से दूर कर देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके अलावा भी किक डे के कई मायने हैं। आप चाहें तो अपनी लाइफ से बुरी चीजों को भी किक मार सकते हैं, इससे आपकी लाइफ भी हेल्दी हो जाएगी। आइए जानें किक डे पर आप क्या कर सकते हैं खास। अपनी बुरी आदतों को बदलें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपकी कुछ आदतों से अक्सर नाराज हो जाता है, तो आज आप किक डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपनी उन बुरी आदतों को अपनी लाइफ से दूर करने का प्रण लें और उन्हें हमेशा के लिए किक कर दें। यदि आपके पार्टनर को आपका ड्रिंक करना या धूम्रपान करना पसंद नहीं है, तो आज आपके पास इसे छोड़ने का बेहतर तरीका है। गलत संगत को मारें किक। अगर आपको लगता है कि आपके साथ हर पल कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग रहते हैं जिनसे आप अपने सोचने समझने या पार्टनर को टाइम देने जैसी चीजों को खो रहे हैं, तो आज आप अपनी उस बुरी संगत को किक दे सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऑनलाइन मेरनिया को मारें किक। अगर आपको फील होता है कि आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं या फिर अपना समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत ज्यादा व्यस्त करते हैं, तो आज आप किक डे पर अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकते हैं। फोन सामग्री को मारें किक। अगर आप फोन सामग्री देखना पसंद करते हैं या फिर अपने कंप्यूटर में ढेर सारी फोन सामग्री है, तो आज आप उन सारी फोन सामग्री को अपने कंप्यूटर से किक मार दें, फिर देखें आपको कितना अच्छा महसूस होता है। प्यार से दोस्तों को भी किक मार सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप किक डे कैसे सेलिब्रेट करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने का भी अलग अंदाज अपनाएं। यानी आप जितने किक मार रहे हैं उसे उतने किक मारे जितने साल का वो है। इस पल को आप और आपका दोस्त बहुत इंजॉय करेंगे। बुरे दोस्तों को मारें किक। अगर कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है या फिर आपको उससे तनाव होता है या फिर कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आज सही समय है जब आप उसे अपनी लाइफ से किक मार कर बाहर कर सकते हैं। कहने का अर्थ है, हर दिन को आपको इंजॉय करना चाहिए। ये थी SM News की रिपोर्ट।